प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का मैं नैशनल प्रेसिडेंट हूँ सैयद शमायल अहमद और हमारे एसोसिएशन से पूरे हिंदुस्तान में दो लाख से ज़्यादा स्कूल्स जुड़े हुए हैं मैं श्रीनगर आया ये जानने के लिए कि कोरोना में दो साल के बाद स्कूल की क्या पोजीशन है तो मैं कहूँगा कि इस पॉलिसी को बनाने के वक्त में उनको हमारे एजुकेशनिस्ट लोगों को बुलाना चाहिए था खास करके जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं उसमें जितने भी मेहमरान थे वो ठीक है बहुत काबिल थे पढ़े लिखे थे लेकिन वो सब आउटडेटेड थे उनके ज़माने में वो क्या पढ़ाई होती थी क्या सिस्टम था वो वो उनका अलग था और अभी जो लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन पढ़ाई होनी है हर चीज़ ऑनलाइन है हर चीज़ नए टेक्नोलॉजी से पढ़ाना है बच्चे अब जो पुराना सिस्टम है उससे पढ़ना नहीं चाहते हैं टीचर्स भी अब नए नए आ गए हैं नए नए तरीके से पढ़ाते हैं तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना था हमारे 28 स्टेट हैं उनतीस स्टेट हर स्टेट से हमारे प्रेसिडेंट को बुलाना था हर ऑफिस बेयर को बुलाना था उनके साथ बैठना था हमारे कुछ बड़े बड़े स्कूल्स के जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको बुला करके इसको तैयारी करनी चाहिए थी तो मुझे लगता था कि बेहतर बेहतर रिजल्ट और होता अभी बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट एक अप्रैल से होने वाला है तो अभी भी लोग बहुत कन्फ्यूज हैं और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग ने तय किया है कि तो बड़े बड़े जो लोग हैं उन लोगों ने किस हिसाब से इस सिलेबस को तय किया है ये तो साल दो साल में ही पता चलेगा जब टीचर्स के पास बच्चे पढ़ने जाएंगे और बच्चों का क्या इंटरेस्ट रहेगा अब तो टीचर को खोजना पड़ेगा ना वो एक टीचर अब कहाँ से वो आर्ट्स में पढ़ाएगा साइंस पढ़ाएगा कॉमर्स भी पढ़ाएगा तो शायद मुझे लगता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ाई और महंगी हो जाएगी अभी सबसे ज़्यादा अगर सस्ती पढ़ाई हो रही है पूरे देश में तो वो प्राइवेट स्कूलों में हो रही है हम अपने बच्चों से फ़ीस पाँच दो सौ रुपये से लेकर के दो हज़ार तक का लेते हैं लेकिन एक सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई होती है एक बच्चे के ऊपर सरकार मिनिमम पाँच हज़ार खर्च करती है और पढ़ाने के लिए बच्चों को बुलाती है उसके बावजूद भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप सोचिए सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को मैं एक ऑफ़र देता हूँ कि आपके यहाँ जितने भी बच्चे हैं आप प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे जो ऑफिस बेयर हैं उनके साथ बैठे आपके बच्चों को हम कम से कम पैसे में पूरे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को घर से बुला बुला के पढ़ा दूंगा सारे बच्चे पढ़ लेंगे और आपका जो बजट है एजुकेशन पे जितना खर्च कर रहे हैं उसके 25 परसेंट में हमारे प्राइवेट स्कूल के लोग उन बच्चों को पढ़ा देंगे सरकारी स्कूलों की कोई ज़रूरत नहीं है हम पढ़ा सकते हैं